सेंट एंथनी जूनियर कॉलेज में आयोजित हुआ वार्षिकोत्सव। स्कूल में आयोजित वार्षिकोत्सव में स्कूल की छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम पेश कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। छात्राओं ने अलग अलग थीम पर सुंदर सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुतियाँ पेश की। पढ़ाई के साथ छात्रों का हर क्षेत्र में विकास हो सके, इसी सोच को लेकर सरकार की ओर से भी कई योजनाएं चलाई जाती रही हैं। इसी उद्देश्य को लेकर स्कूलों की ओर से भी लगातार प्रयास होते रहते हैं, जिससे कि उनके छात्र छात्राओं का सर्वांगीण विकास हो सके। शहर के जाने माने कॉन्वेंट स्कूल सेंट एंथनी जूनियर कॉलेज में मंगलवार को छात्राओं ने अपनी सांस्कृतिक प्रतिभा का बखूबी प्रदर्शन किया। मौका था स्कूल में आयोजित एनुअल डे का। स्कूल में आयोजित वार्षिक उत्सव के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस महानिदेशक अनुपम कुलश्रेष्ठ और आयकर आयुक्त नेहा अग्रवाल उपस्थित रहीं। उनके साथ स्कूल की सिस्टर प्रिंसिपल बीना जॉन, सिस्टर लॉरेंस ने उपस्थित रहकर छात्राओं का मनोबल बढ़ाया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। प्रकाश रूपी ईश्वर को स्थापित करने के बाद अतिथि देवोभवों की परंपरा का निर्वहन करते हुए स्कूल की छात्राओं ने अतिथियों को बुके भेंट कर उनका स्वागत किया। औपचारिक परंपरा को पूर्ण करने के बाद क्लास 6 की छात्राओं ने सुंदर पेयर डांस पेश किया, प्रभु मसीह को याद करते हुए प्रभु का गुणगान किया और ईश्वर से प्रार्थना करते हुए सभी के लिए आशीर्वाद मांगा। प्रभु भक्ति से सजे पेयर डांस के बाद एलकेजी की नन्नी परियां अपनी पूरी एनर्जी से भरी हुई परफॉर्मेंस को लेकर स्टेज पर उतरी। वी आर गैदर्ड हेयर स्पेशल डे वेलकम टू यू ऑल सॉन्ग पर नन्नी परियों ने सुंदर डांस प्रस्तुति पेश कर सभी के मन को मोह लिया और सभी का पूरे दिल के साथ स्वागत किया। अपने एनुअल डे में प्रतिभाग को लेकर हर परफॉर्मेंस में प्रतिभाग करने वाली छात्राओं का उत्साह देखने लायक था। सभी अपने प्रतिभाग को लेकर काफी खुश थी। उनका कहना था कि पढ़ाई के साथ उनके स्कूल में करिकुलम एक्टिविटीज भी काफी रहती हैं और ये दिन उनके लिए काफी स्पेशल होता है, जिसको लेकर वे पूरे साल एक्साइटेड रहती हैं। बहुत अच्छा रहा, सबको बहुत मजा आए थे। एंड लाइक एक प्ले था जिसमें बहुत डिफरेंट टाइप के डांसेस थे। एक मारिया थी गर्ल, उसके बारे में पूरा बताया था। एक प्ले था एग्जैक्टली। मेहनत कर रहे थे जो आज परफॉर्मेंस देके कैसा लग रहा? बहुत दिन से मेहनत कर रहे थे पर आज फाइनल था तो इट वाज वेरी अमेजिंग। लगता है आपको ये इस तरह के प्रोग्राम्स आपको क्या सीखने को मिलता है सब चीजों से? हार्ड वर्किंग बहुत होती है इसमें एंड क्रिएटिविटी ऑफ ड्रेसेस लाइक मेनी मोर। इट वाज फैबुलस एक्चुअली एंड ऑब्वियसली इट वाज वेरी ग्रैंड एंड ऑन द स्टेज बट यू नो द हार्ड वर्क बिहाइंड इट वाज लाइक फॉर लाइक अ मंथ एंड अ हाफ एंड इट वाज लाइक वेरी वी वर स्किपिंग क्लासेस फॉर लाइक प्रैक्टिसेस इन द वेल आई डू नॉट हैव स्टेज फेयर सो इट वाज लाइक प्रीटी इजी फॉर मी बट ऑब्वियसली पीपल वर नर्वस एंड एड्रेनालिन 14 सो वी हैव परफॉर्मड अ पपेट डांस for the sound of music play that was done in our school right now. Okay, what did you show? We showed a scene that was a part of the movie. Okay. How are you feeling now after the performance? Great. Kitna time hua aap log practice karte hue? How many days ho gaye practice? Like a month. Like a month. Kitni importance aapko lagta hai ki hai aap logo ke liye ye wale programs? This is our last annual day since we are in 8th and 10th and 12th do not participate. So that's why it's great important. Annual day के सभी कार्यक्रम अपने आप में खास से छात्रों ने ओल्ड पीरियड को भी याद करते हुए अपनी सुंदर डांस परफॉर्मेंस पेश की, जिसमें डांस के माध्यम से पुराने जमाने को छात्रों ने मंच पर पेश किया। कलरफुल ड्रेस में सजी बालिकाएं जितनी सुंदर लग रही थी उससे अधिक सुंदर उनकी डांस परफॉर्मेंस थी, जिसे देखकर सभी लोग मनमुग्ध हो गए और सभी ने तालियां बजाकर छात्राओं का स्वागत किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अभिभावक भी उपस्थित रहे और सभी अभिभावकों ने अपनी नन्ही परियों का तालियां बजाकर उनकी हौसला अफजाई की। दो दिन चलने वाले इस एनुअल डे के कार्यक्रम में सभी छात्राएं अपना प्रतिभाग कर रही हैं। जूनियर और सीनियर सभी क्लासेस की स्टूडेंट्स का प्रतिभाग इस कार्यक्रम है। कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को सीनियर टीचर्स के साथ सीनियर छात्राओं ने संभाला। इस अवसर पर स्कूल में सुंदर डेकोरेशन भी की गई थी और पूरे स्कूल प्रांगण को एक कलात्मक रूप दिया गया था।